हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ भावेश, नॉलेज इज पावर से। भाई ट्राई ने नए रूल लागू किए हैं डीटीएच केबल ऑपरेटर्स के लिए। वो क्या रूल्स हैं और क्यों इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि पहले तो डेट थी 29 दिसंबर, मैंने काफी सारी वीडियोस देखी हैं 29 दिसंबर तक था, अब ट्राई ने उसे बढ़ा के 31 जनवरी तक कर दिया है कि आप उन्हें प्लान्स को चेंज कर लीजिए। लेकिन अभी भी काफी ज्यादा ऑपरेटर्स हैं वो चेंज नहीं कर रहे हैं। मैं वीडियो पर डीटीएच कनेक्शन लगा हुआ है मेरे यहाँ, लेकिन अब भी एडवर्टाइज जो आते हैं, जैसे कोई भी अगर चैनल लगवाना है तो वही सेम प्राइस 60-65 रुपीज पे वो सेल कर रहे हैं उसे चैनल को, और अभी तक तो कोई चेंज नहीं लेके आए। आज 20 जनवरी है, लेकिन आज भी उन्होंने कोई भी चेंज नहीं किया है। तो ये क्या है भैया, क्या रूल्स हैं, कैसे रूल लागू होंगे और कैसे अगर आपको कोई बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, क्या पहले से कनेक्शन महंगा पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो बताने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो मेरे साथ। तो भैया सबसे पहली बात है कि कनेक्शन पड़ेगा महंगा, चाहे तो आप अलाकाटे ले लीजिए। अलाकाटे भी मिलता था पहले भी, मैं डीटीएच लगा हुआ है मेरे यहाँ तो 175 मिनिमम होता था अलाकाटे का बेस प्राइस, तो मैं उसमें चूज कर लेता था 200 में। मेरे सारे चैनल जो 8-10 चैनल में देखता हूँ वो मैं लगवा लेता था और वेबसाइट से जाके ड्रॉप कर करके मैं बॉक्स में डाल देता था और चूज कर लेता था। लेकिन अब क्या है, जैसे अलाकाटे मैंने लिया, अलाकाटे मैंने 200 का पैकेज बना लिया अपना 10 चैनल का, लेकिन उस 200 में मुझे 130 रुपीज एक्स्ट्रा देना है जो के केबल ऑपरेटर का चार्ज है, मतलब आपके यहाँ कनेक्शन लाने का ही चार्ज है 130 रुपीज। तो बताइए भाई ये सस्ता कैसे हुआ, मुझे तो ये बहुत महंगा पड़ रहा है, क्योंकि 200 का मैं बेस पैकेज बना लेता था पहले, मुझे अलग से कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। ठीक है, मैं मानता हूँ कि चैनल स्पोर्ट्स वाले वो 60 रुपीज का वो देता था पहले, लेकिन अब यह मिनिमम चैनल की जो रेटिंग कर दी वो 90 रुपीज कर दी है विदाउट GST, तो वो 18% लगाकर 21.22 का चैनल पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भाई मेरा पैकेज तो 200 में बन जाता था, 200 में मैंने बनाया, 200 पर मंथ मेरा चल रहा है, लेकिन उसमें 130 लगा के देता था मैं। लेकिन लगा के देना है मतलब आप अपकमिंग टाइम में 130 जो है वो तो आपको देना ही देना है, आपको चैनल ले ना ले आपको 130 देना ही देना है। तो 330 रुपये का पड़ गया मेरा पैकेज 130 के साथ में, तो 330 रुपये में क्या फायदा हुआ भाई मुझे, 330 रुपये में कितने चैनल मिले मुझे, 10 चैनल जो मैंने अलाकाटे से बनाए, क्या फायदा हुआ। 330 रुपये में पैकेज मिल जाता है मुझे, बहुत अच्छा मेरा पैकेज चल रहा है 330 रुपये पे। HD चैनल तो बहुत सारे 115-120 चैनल्स मुझे मिल रहे हैं और सारे अच्छे हैं, न्यूज के सारे चैनल मिल रहे हैं मुझे, एंटरटेनमेंट के सारे चैनल मिल रहे हैं, मूवीज के सारे चैनल मिल रहे हैं, स्पोर्ट्स का मैंने एक चैनल लगवा रखा है तो वो मुझे 300, और कार्टून के चैनल मिल रहे हैं, डिस्कवरी मिल रहा है, सारी चीज़ मिल रही है वो 330 रुपये में। तो अब बताओ 330 रुपये में मुझे वो सारी चीज़ें मिल रही, लेकिन अब जो मैं पैकेज बनाऊँ, जैसे सबने अपने अपने बॉक्स बना दिए सारे पैकेज के, हैप्पी इंडिया पैक बना दिया 31 रुपीज में, लेकिन जो HD वाला है वो आपको 45 रुपीज में पड़ेगा, 45-48 में पड़ेगा, तो 50 रुपीज का वो हो गया। अब स्टार वैल्यू में अगर आपको लेना है तो वो 85 रुपीज का पड़ेगा विदाउट GST, तो 85 का वो हो गया, 50 का वो मान लीजिए आप सब इंडिया सोनी का एंटरटेनमेंट पैक, तो 85 और 30 115 हो गए, 85 और 50 135 रुपये हो गए। अब 130 रुपीज उसमें आपको वो चार्ज देना है तो 265 रुपये हो गए, 80% GST अलग से लगेगा। तो भैया ये क्या है बताइए, सबके 10-12 चैनल है और उसके बाद में स्टार इंडिया के 10-12 चैनल है, तो 24 चैनल के लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा, करीब करीब 300-350 रुपये। तो ये ट्राई ने बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया, जो 130 रुपीज चैनल की जो केबल ऑपरेटर की जो चार्ज लगा दिया उन्होंने बेवजह का, जिसमें 100 चैनल आपको मिलेंगे, 100 चैनल मिलेंगे, जैसे 100 चैनल का पैकेज बना के वो 130 रुपीज में आपको दे देगा, जिसमें कि आपके फ्री वाले चैनल होंगे, फ्री टू एयर वाले जो कि फ्री में चलते थे, उस पर 130 रुपीज आपको चार्ज देना। अब उसमें 100 चैनल का जो पैकेज है उसी में से उन चैनल्स में से आपको कुछ हटाने, जैसे 100 चैनल है आपको 100 तो देखोगे नहीं, 100 का एक ड्रॉप बॉक्स बन गया 130 रुपीज का, आपको HD चैनल लेना है, एक HD चैनल के लिए आपको 100 चैनल में से 2 चैनल हटाने पड़ेंगे तब एक HD चैनल जाएगा। तो आप 100 चैनल में से सोचिए 50 चैनल आपने हटा दिए बेवजह के जो कि हमें देने ही देखने, उस 50 चैनल में आप 25 HD चैनल ले पाएंगे तब 130 रुपीज बनेगा। अगर 100 चैनल के बाद में आपने HD चैनल लिए तो उसका भी चार्ज अलग से लगेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा महंगा कर दिया ट्राई ने, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे को भाई बिल्कुल भी पसंद नहीं आया ट्राई को जो न्यू रूल है, इस वजह से अभी तक ये केबल ऑपरेटर इन्हें चेंज नहीं करा। होप फॉर द बेस्ट के केस सुप्रीम कोर्ट में जब भी चल रहा है, हाई कोर्ट में डाला हुआ है केस किसी ने, मद्रास हाई कोर्ट में, तो वहाँ पे देखते हैं भाई कि क्या होता है, अगर निकल के आता है तो पहले वाले प्लान ही सही थे जो पैकेजेस बना के देते थे, इतनी जेब भाई ढीली नहीं हो रही थी। मैं भी अलाकाटे वाला हूँ, मैं अलाकाटे चैनल ही देखता हूँ मैं पैकेज वगैरह, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता इस वजह से। लेकिन ये जो न्यू रूल आया भाई, इससे बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, अब 130 रुपीज़ जो जा रहा है वो बेवजह के जा रहा है मंथली, कोई सेंस नहीं बन रहा उनका 130 रुपीज़ का लेने का उनका, तो ये चीज़ गलत है। तो होप फॉर द बेस्ट, फिंगर क्रॉस, लेट्स सी के क्या होता है, अगर
नेहरू लागू होते तो भाई डेफिनेटली हमें करना तो पड़ेगा कॉम्प्रोमाइज़। अभी यार 28 डेट हो गया, अभी 10 डेज हो रहे हैं, देखते हैं। अभी पिछले 29 दिसंबर से हो रहा था, लेकिन अभी तक मैंने केबल ऑपरेटर को कॉल किया तो उसने अभी तक बताया कि अभी भाई रूल नहीं है, अगर आप एडवांस में रिक्वेस्ट। भाई मैंने कहा मुझे नहीं डलवानी भाई, मेरा तो जो पैकेज चल रहा है वही चलने, तो 330 रुपीज़ का मेरा पैकेज है, काफ़ी सारे चैनल देख रहा हूँ मैं, तो मैं क्यों डलवाऊँगा। तो नेक्स्ट वीक क्या होता है आगे, अगर 31 जनवरी के बाद में अगर लागू होते हैं नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ने वाला है भाई अकॉर्डिंग टू मी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दैन हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू डिड नॉट सब्सक्राइब माई चैनल देन हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।